दौरे बच्चों में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दौरे आने का सबसे मेन कारण रहता है बुखार। बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे बच्चों के ब्रेन है वो थोड़े से इमेच्योर रहता है और इतने तरह का ब्रेन डैमेज या हाई फीवर सहन नहीं कर सकते। अब इसमें बच्चे में जो लक्षण दिखते हैं वो कॉमनली होता है बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कभी कभी आँखें ऊपर चढ़ा देता है या हाथ पैर टाइट कर लेता है। और मोर इम्पॉर्टेंट रहता है कि इस दौरान बच्चा इतना अनकॉन्शियस रहता है कि पेरेंट्स का बुखार के टाइम ध्यान ही नहीं जाता है कि बच्चे को बुखार है या नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं और फिर तुरंत इमरजेंसी में भागने लग जाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे हैं सारे दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश है, सेहतनामा को आप पसंद कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों को बुखार के दौरान दौरा क्यों पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर सुमित धवन मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुमित एक बार फिर से सेहतनामा में। थैंक यू राजेंद्र जी, दोबारा अच्छा लगा आपके शो पर आकर। बुखार सभी बच्चों को होता है लेकिन कुछ बच्चों को बुखार के दौरान ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार दौरे पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? राइट, अब दौरे बच्चों में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दौरे आने का सबसे मेन कारण रहता है बुखार। अब आमतौर पे क्या होता है, जब बुखार तेज़ी से बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 100, 101, 102 हो जाता है, तो इस टाइम बच्चे को दौरे आने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे बच्चों के ब्रेन है वो थोड़े से इमेच्योर रहते हैं और इतने तरह का ब्रेन डैमेज या हाई फीवर सहन नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उनके ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पार्क्स होने लगते हैं जिसको हम बोलते हैं सीजर्स, और वो ब्रेन में एक जगह पर शुरू होते हैं और फिर बाकी जगह पर फैलने पर सीजर्स आने लगता है। अब इसमें बच्चे में जो लक्षण दिखते हैं वो कॉमनली होता है बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कभी कभी आँखें ऊपर चढ़ा देता है या हाथ पैर टाइट कर लेता है। और मोर इम्पॉर्टेंट रहता है कि इस दौरान बच्चा इतना अनकॉन्शियस रहता है कि पेरेंट्स का बुखार के टाइम ध्यान ही नहीं जाता है कि बच्चे को बुखार है या नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं और फिर तुरंत इमरजेंसी में भागने लग जाते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट रहता है कि हमें फीवर देखना, फीवर चेक करना, फीवर कंट्रोल करना, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। सो फीवर कैसे कंट्रोल करें उसके लिए वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सो अगला सवाल अब ये है कि कितने परसेंट बच्चों को चांसेस होते हैं बुखार के दौरान दौरे आने? अब बुखार के दौरान दौरे जिसको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर्स, वो आमतौर पर 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे के बीच में होता है। अब आमतौर पर बुखार 101, 102 के आसपास रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसमें अगर बच्चा 6 महीने से कम है या 5 साल से ऊपर है तो उसको हम फेब्राइल सीजर्स नहीं बोलते। दूसरा, अगर एक ही बार में 2-3 बार दौरे आ रहे हैं या 2-3 बार बच्चा बेहोश हो रहा है, टाइट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स। तीसरा रहता है कि इसमें अगर सिर्फ बच्चे का एक ही हाथ कांप रहा है, आमतौर पे बुखार के साथ दौरे में दोनों हाथ दोनों पैर कांपते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही हाथ कांप रहा है या एक ही पैर कांप रहा है उसको हम बोलते हैं फोकल फेब्राइल सीजर। तो अगर फोकल फेब्राइल सीजर होगा तो इसमें रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको भी हम बोलते हैं अटिपिकल सीजर्स। या चौथा रहता है अगर बुखार के 24 घंटे बाद बच्चे को अगर सीजर आए या तो उसको बोलते हैं डिलेड फेब्राइल सीजर, मतलब लेट फेब्राइल सीजर्स, ये भी एक तरह का अटिपिकल फेब्राइल सीजर है। तो हम डिवाइड करते हैं फेब्राइल सीजर्स को या बुखार के साथ दौरे को 2 टाइप में, एक है टिपिकल और एक है अटिपिकल। टिपिकल में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक, बच्चे की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच में है, दौरा 5 मिनट से कम चल रहा है, और तीसरा उसके दोनों हाथ दोनों पैर मतलब जनरलाइज सीजर है। और अटिपिकल फेब्राइल सीजर उसमें रहता है 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं, एक दौरा लंबा चलना है मतलब 5 मिनट से लंबा चलना, एक ही बार में बार बार दौरे आना मतलब 2 से 3 बार 4 बार फिट्स आना, तीसरा 24 घंटे के बाद सीजर आना मतलब बुखार शुरू होने के 24 घंटे बाद सीजर आना। तो इसको बोलते हैं अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स। अब ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज एज अ डॉक्टर हम सबसे पहले जब भी कोई बच्चा देखते हैं हम ये चेक करते हैं कि बच्चे को टिपिकल फेब्राइल सीजर्स है या अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स है। अटिपिकल फेब्राइल सीजर्स में बच्चे को बाद में दौरे आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसमें हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, इसमें हमें जल्दी फिट्स या सीजर्स की मेडिसिन जल्दी डालनी पड़ती है। तो कभी भी फिट्स आ रहा है तो बेसिक एस्पेक्ट हमेशा हमें चेक करना है कि उस टाइम फीवर कितना है, बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, एक हाथ कांप रहा है, दोनों हाथ कांप रहे हैं, और कितनी देर तक सीजर्स या फिट्स चल रहे हैं। ये 4 चीज़ें आपके डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो उस टाइम हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, पैनिक नहीं करना और आपको देखना सही, जो 4 फैक्ट्स आपको बताए वो चेक करते रहना है। क्या तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ती है? राइट, अभी कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ पैरामीटर्स घर पर चेक करें, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। तो आमतौर पर जो दौरा रहता है या सीजर्स रहता है वो 2 मिनट से कम ही चलता है,
अगर 2 मिनट से कम रहे तो हमें तुरंत इमरजेंसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ उस टाइम 2 ही चीज़ें कंट्रोल करनी है। पहला, बच्चे का फीवर है तो उसे फीवर कंट्रोल करें। अगर बच्चा कॉन्शियस है तो उसे फीवर की मेडिसिन आप मुंह से खिला सकते हैं। अगर बच्चा पूरी तरह होश में नहीं है तो ऐसे केस में कुछ मुंह से पानी या कुछ देने की कोशिश मत कीजिए, जो कि काफ़ी रिस्की होता है। और दूसरा, बिना मेडिसिन के भी फीवर कम हो सकता है। बच्चे के थोड़े से कपड़े थोड़े से ढीले कर दीजिए, थोड़ा सा फ़ैन चालू कर दीजिए, या उसमें ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। ये चीज़ कोई भी पेरेंट्स कर सकता है। इसमें किसी हॉस्पिटल तुरंत भागने इमरजेंसी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर आपने फीवर कंट्रोल कर लिया है, बच्चा अगर होश में आ गया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठंडा पानी मतलब जो नॉर्मल टैप वाटर से, नॉर्मल नल का पानी ले लीजिए, एक कटोरे में आप भिगो, कपड़े को भिगो दीजिए, उससे बॉडी पूरी आपने बिल्कुल, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग। तो सिंपल स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग करने के लिए एक रुमाल ले लीजिए, एक बाउल में आप नॉर्मल नल से पानी ले लीजिए, उसको भिगो दीजिए और बच्चे के सिर पे और पेट पे आप रख सकते हैं, जिससे बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब इलाज क्या है, घर पे क्या इलाज कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? राइट, अब इलाज के 3 स्टेप्स होता है। इलाज का फर्स्ट स्टेप, जैसे मैं आपको बोला, फीवर कंट्रोल, दूसरा है सीजर कंट्रोल, और तीसरा है सीजर प्रोफाइल एक्सिस। सीजर प्रोफाइल एक्सिस मतलब उस बच्चे को दोबारा दौरे ना आए। फीवर कंट्रोल के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हो। पैरासीटामोल का डोज आपको आपके डॉक्टर ने आपके रूटीन प्रिस्क्रिप्शन में बताया रहेगा, तो आप नॉर्मली आपको पैरासीटामोल का डोज पता रहना चाहिए, जो कि 10-15 mg/kg डोज होता है, जो आप सिरप या टैबलेट या ड्रॉप्स के जरिए आप दे सकते हो। दूसरा रहता है सीजर इमरजेंसी फर्स्ट एड मेजर्स, जिसमें हम मेडाजोलाम स्प्रे यूज़ करते हैं। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और तीसरा रहता है सीजर प्रोफाइल एक्सिस। सीजर प्रोफाइल एक्सिस मतलब क्या होता है, दौरा आ चुका है, दौरा ख़त्म हो गया है, बच्चा होश में है, तो ऐसे केस में हम उसे सीजर प्रोफाइल एक्सिस देते हैं, ताकि उसे उस दिन दोबारा दौरा ना आए या 3-4 दिन फिट्स ना आए। उसके लिए हम फ्रीजियम या क्लोबाजाम नाम के मेडिसिन यूज़ करते हैं, ताकि फीवर या सीजर्स दोबारा ना आए। लेकिन वो डॉक्टर के साथ परामर्श करने के बाद ही, सलाह लेने के बाद ही आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये मोस्ट, इसको बोलते हैं सीजर प्रिवेंशन प्लान। तो कभी भी एक बार बच्चे को बुखार के साथ दौरा आ गया है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको हमेशा 3 स्टेप्स, जैसे आपको बोला, एक फीवर कंट्रोल, एक सीजर इमरजेंसी मैनेजमेंट और एक सीजर प्रोफाइल एक्सिस, ये 3 स्टेप्स हमेशा कभी भी बुखार के दौरान हमें सारे फॉलो करने पड़ते हैं। और आगे ना आए दौरा, आगे ना पड़े। अब उसके एक मोस्ट, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है कि किसी बच्चे को जिसको एक बार बुखार के साथ दौरा आया, फेब्राइल सीजर आया, उसको 30-35% चांसेस रहते हैं कि दोबारा भी उसको फेब्राइल सीजर आएगा तो फिर दौरा पड़ सकता बिल्कुल है। उसमें अगर आप एक्यूरेट फिगर्स देखेंगे तो 17% बच्चे को सिर्फ दोबारा एक बार सीजर्स आएंगे, 9% बच्चे को 2-3 बार आएंगे, और ऑलमोस्ट 5-7% बच्चों को 3-7 बार आते रहेंगे सीजर। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट फेब्राइल सीजर्स। फ्रीक्वेंट फेब्राइल सीजर्स मतलब 2 से ज़्यादा बार फिट्स आना 6 महीने में, या 3 से ज़्यादा बार फिट्स आना 1 साल में, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंट फेब्राइल सीजर्स। तो कुछ कुछ बच्चे, जैसे मैं आपको बोला, जिनको फ्रीक्वेंट फेब्राइल सीजर्स होता है, जिनको फिट्स 5 मिनट से लंबा चलता है, जिनके फिट्स सिर्फ एक साइड में होता है, जिसको बोलते हैं फोकल फेब्राइल सीजर, मतलब सिर्फ एक साइड होता है, जो बच्चे 6 महीने से कम है, जो बच्चे जिनको कम फीवर पे सीजर्स हो रहा है, मतलब अगर उनको सिर्फ 99-100 पे सीजर्स आ जा रहा है, या फिर सीजर और फीवर के बीच में गैप बहुत कम है, ये 6 टाइप के बच्चे हैं, इनको सीजर आने की संभावना ज़्यादा है। ये सब बच्चों को रेगुलर सीजर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते बिल्कुल हैं। तो इसमें हमारा सजेशन हमेशा ये रहेगा, कभी भी बच्चे को बुखार के साथ दौरा है, फेब्राइल सीजर्स है, आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको इमरजेंसी प्लान बना के देंगे, रेगुलर मेडिसिन देना है नहीं देना है वो आपको समझाएंगे, या फिर आपको एक स्पेशलिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेकमेंड करेंगे, जो ये सारे डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करेगा। कुछ टिप्स जाते जाते आप देना चाहें कि पैनिक ना करें पेरेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पैनिक ना करें, जितना आप पैनिक करोगे उतनी तकलीफें बढ़ती हैं। कभी कभी कोई कोई सिचुएशंस में हमें टेस्ट, मेडिकल टेस्ट भी करने पड़ते हैं, बुखार के टेस्ट करने पड़ते हैं कि बच्चे को इन्फेक्शन क्यों हुआ है, सीजर के कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जो कि बोलते हैं सिंपल कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट लेवल, सोडियम लेवल्स, जिसकी वजह से सीजर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन सिलेक्टिव सिचुएशंस हमें EEG का टेस्ट करना पड़ता है, जब बच्चे को लंबे दौरे आ रहे हैं या बार बार फिट्स आ रहे हैं, तो हमें सीजर्स के लिए EEG और MRI स्कैन का टेस्ट करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना सेहतनामा को मत भूलिएगा।